यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलन बोलन चितवन मुस्कान हसन खेलन छेड़न की बानी। चलन बोलन चितवन मुस्कान हसन खेलन छेड़न की बानी। चलन बोलन चितवन मुस्कान हसन खेलन छेड़न की बानी। चलन बोलन चितवन मुस्कान हसन खेलन छेड़न की बानी। हृदय में घर कर लीनी आन शिथिल सब सबरो व्यवहार भयो। हृदय में घर कर लीनी आन शिथिल सबरो व्यवहार भयो। हृदय में घर कर लीनी आन शिथिल सबरो व्यवहार भयो। हृदय में घर कर लीनी आन शिथिल सबरो व्यवहार भयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आए गयो। स्मरताम कृष्ण विरजाणी लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान शिथिला क्रिया। उसकी बाल अवस्था से लेकर के कुमार पौगंड और किशोर अवस्था तक की सारे क्रियाकलापों को स्मरण कर करके हमारी तो सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, उधो हम कुछ करने लायक नहीं रहते, अथाई पर बैठे रहते हैं। लोग आते हैं हमें सांत्वना देने के लिए, कुछ मन को बहलाने के लिए दर दर की बात करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन्हीं पर रहता है और पीछे से पेड़ के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और कुत्ते बिल्ली भी अगर उधर से गुजरते हैं उनके पैर से लग करके वे सूखे पत्ते खड़खड़ाते हैं तो चौंक पड़ता हूँ, मेरा कन्हैया आ गया। आने का समय हो गया है, लेकिन जब कन्हैया को नहीं देखता हूं हृदय विदीर्ण सा होता है। कभी आकर पीछे से मेरी आंख मूंद लेता था, मैं कहता कन्हैया तो आकर गोदी में बैठ जाता, बाबा तुमने मुझे पहचान लिया, बेटा तुझे नहीं पहचानूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है, कई कई तरह से छेड़खानी करना मेरे साथ, मैया के साथ। कभी कभी मैया की मथानी रही पकड़ लेता, बाद में मथना पहले से निकला हुआ माखन दे, इस प्रकार से उसके सारे क्रियाओं को स्मरण कर करके हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो रही हैं, हम कुछ करने लायक नहीं रह रहे। न हम कुछ करबे लायक रहे विरह सागर में जावे बहे। न हम कुछ करबे लायक रहे विरह सागर में जावे बहे। न हम कुछ करबे लायक रहे विरह सागर में जावे बहे। कहे विधाता
अद्भुत ठान ठयो कहे भी को कासो कहा कहे विधाता अद्भुत ठान ठयो जाने सुंदर श्याम किससे कहे मेरी आंखों के सामने सात कोस के पर्वत को अपने हाथ पर सात दिन तक धारण करके रखा। हमारी आंखों के सामने तीन ताल के बराबर विशाल धनुष को तोड़ करके और कंस को दहला दिया। विशाल विशाल पर्वताकार कुबल्यापीड हाथी को दोनों भाइयों ने खेल खेल में मार डाला। हमारे आंखों के सामने की घटना है। ऐसे सुयोग्य पुत्र इस कन्हैया और उसके भैया बलराम के यहां से चले जाने के बाद हम कैसे जीवित रह रहे हैं उधो हमारा हृदय जानता है। भयो चाहे जीवन को अंत लखूं कब पतझड़ बाद बसंत भयो चाहे जीवन को अंत लखूं कब पतझड़ बाद बसंत भयो चाहे जीवन को अंत लखूं कब पतझड़ बाद बसंत खोए के पुत्र अमित गुणवंत कठिन यह जीवन भार भयो खोए के पुत्र अमित गुणवंत कठिन यह जीवन भार भयो खोए के पुत्र अमित गुणवंत कठिन यह जीवन भार भयो श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया। वृक्षों के जीवन में पतझड़ आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सूखे ठूंठ जैसे लगते हैं, लेकिन पतझड़ के बाद बसंत भी आता है, नूतन किस्ले और नूतन कलिकाएं और नूतन फल रस से समन्वित आते हैं। क्या मेरे जीवन का यह पतझड़, क्या ये ठठरी ठूठ हो करके ही सूख जाएगी, या फिर उन दोनों के आगमन से मेरे जीवन में बसंत भी आएगा। देह उद्धव सच सच बतलाए फेर दो बंधु मिलेंगे आए देव उद्धव सच सच बतलाए फेर दो बंधु मिलेंगे कमल मुख निरखे नैन अघाय जगे गोपुन सौभाग्य नयो कमल मुख निरखे नैन अघाय जगे गोपुन सौभाग्य नयो कमल मुख निरखे नैन अघाय जगे
पुनि सौभाग्य नयो कमल मुख नीर के नयन अघाय जगे गो पुनि सौभाग्य नयो जाने सुंदर श्याम आते थे मेरी गोदी में बैठकर एक साथ कन्हैया मेरी ठोड़ी अपनी ओर कहता बाऊ मेरी बात सुनो दाऊ अपनी ओर मेरी ठोड़ी खींच के कहता बाबा मेरी बात सुनो उस समय का जो सुख वो अब सपना हो गया ऐसे पुत्र से विरहित होकर के हम कैसे जी रहे हैं हृदय जानता है श्री सुखदेव जी कहते हैं इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधी अत्युत्कंठो भवत् तुष्णिम् प्रेम प्रसर विह्वला इस प्रकार से लाला के लीलाओं का स्मरण कर करके नंद बाबा का कंठ अवरुद्ध हो गया इसके बाद अब आगे बोल नहीं सके केवल नेत्र से अश्रु की धारा चलने लग गई जब नंद जी का बोलना कहना रुक गया तब श्री यशोदा मैया थोड़ा आगे खिसक करके आई और पलंग पर बैठे हुए श्री उद्धव जी के घुटने पर हाथ रख करके और कहने लग गई यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च श्रृण्वन्त्यश्रुण्यवासराक्षी स्नेहस्मृतपयोधरा उस समय मैया का अंचल गीला हो रहा था उसके आंसुओं से मैया की अंगिया गीली हो रही थी दूध से स्तन से दुग्ध की धार और नेत्रों से अश्रु की धार बह रही थी मैया ने यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च लाला के चरित्रों का वर्णन कर करके और उद्धव से पूछती है बता दो उद्धव कब लगी आवेगो कान्हा मेरो बता दो उद्धव भेरो बता दो उधो कब लगी आवेगो आना मेरो निठुर
दो उधो तब लगी आवे को आना मेरो काली नींद आनंद सिंधु ते अंत रूप मांगे रो बता दो उधो कब लगी आवे को आना मेरो बता दो उधो कब लगी रहने वाली नींद को कोई हृदयहीन उसमें से निकाल करके अंधकूप में जिसमें अंधेरा है जल का लेश नहीं उसमें डाल दे ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। दे अक्रूर बताए अक्रूर ने मेरी ये हालत की अक्रूर हमें बतावे दे अक्रूर बताए कि मैंने कहा बिगाड़ो तेरो ये अक्रूर बताए कि मैंने कहा बिगाड़ो तेरो क्यों बैरी बन गयो हमारो क्यों बैरी बन गयो हमारो और भयो कंस को चेरो बता दो उधो चढ़ी के अनरथ गढ़ी लायो कठिन असुर को प्रेरो रथ चढ़ी के अनरथ गढ़ी लायो कठिन असुर को प्रेरो रथ चढ़ी के अनरथ गढ़ी लायो असुर कंस को प्रेरो छीन करके मेरा ले गया मैंने अक्रूर का क्या बिगाड़ा था इस जन्म में तो कुछ बिगाड़ा नहीं शायद पूर्व जन्म में कोई मेरे द्वारा अपराध हुआ हो उसका बदला लेकर के गया है के ही विधि तरे विरह को सागर नाव न बोही तुबेरो के ही विधि तरे विरह को सागर नाव जीवन नहीं
को जतन करूं बहुत तेरो कैसे धीर धराऊं ये को जतन करूं बहुत तेरो कैसे धीर धराऊं ये को जतन करूं बहुत तेरो कैसे धीर धराऊं ये को जतन करूं घर की दूध देवे वाली दूध करता है दही जमाती हूं मथने के लिए बैठती हूं इसी आशा में कि शायद कल नहीं आया आज आधम के और आते ही आते कहेगा मैया माखन इसलिए उसके आगमन की आशा में अभी भी मैं दही मथानी रही लेकर बैठूं पहले मक्खन निकलता था हृदय में उल्लास होता था लाला आरोगे को दोनों भैया बैठ के खाएंगे मेरे सामने लेकिन पता नहीं कभी तो झगड़ पड़ता मचल पड़ता अभी हमको तुरंत मक्खन चाहिए मैं कहती कि बेटा थोड़ी देर धीरे धारण करो अब निकलने वाला है कहा कि ना हमको अभी चाहिए कल का माखन दे दूं नहीं बासी माखन नहीं खाता तो पहले मक्खन निकलता था तो हृदय में उल्लास होता था और अब बैठूं रही मथानी लेके नित प्रति होत सवेरो 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 फूले सूल कढ़त माखन फूले सूल कढ़त माखन को खावे लोनी ढेरो बता दो कब लगी आवे को काना मेरो फूले सूल कढ़त माखन को खावे लोनी ढेरो बता दो बूझो कब लगी आवे को काना मेरो बता दो बूझो कब लगी आवे आवे तो काना मेरो पहले माखन कर
चढ़ता था, निकलता था, उल्लास होता था। और अब माखन निकलता है तो लगता है कि माखन नहीं, ये बर्छी की नोक हृदय में चुभती है, कौन इसको आरोगेगा। अरे अभागे मक्खन, तू निकल के क्या करेगो, तेरो आरोग व्यवहार हो तो यहाँ रहे हो नहीं। फिर मन में संदेह होता है कि शायद अपनी आदत के कारण किसी गोपी ग्वालिन से छेड़छाड़ करने के लिए कहीं उसके घर में तो नहीं चला गया। तो निकला हुआ मक्खन कटोरे में भर करके, भरो कटोरो माखन लीने डोलत घर घर ठेरो, कटोरो माखन लेके डोलत घर घर ठेरो, भरो कटोरो माखन लेने डोलत घर घर ठेरो, भरो कटोरो माखन लेके डोलत घर घर ठेरो। अरे अटक्यो कहां नील मणि मेरो, अटक्यो कहां नील मणि मेरो, क्यों नहीं आवत नेरो, बता दो लेकर के मैं घर घर डोलती हूँ। बहना का कन्हैया मेरो तेरे घर में आयो है का, कछु उधम कर रहे हो। बहना क्षमा कर दीजो, वाकारी मत दीजो, जितनो तेरो कछु बिगारे हो हमसे तू वाते दोनों चौगनों ले लीजो। गोपी पकड़ पकड़ के हमें, मैया घबरावे मत कन्हैया, आवेगो आवेगो कहाँ ते आवेगो, कहूँ गयो है का मैया, मथुरा गयो है तू भूल गई, मेरो कन्हैया मथुरा गयो, क्यों मथुरा गयो, मथुरा में वाको कहा काम। उन्हें कंस ने बुलायो, कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। अरे ये सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप हुई आयो, ये तो काल रूप हुई आयो। ये तो सवेरे की बात रही, संध्या होती है, गोचारण से लौटने का समय, तो और ग्वालों को लौटते हुए देखती हूँ, लगता है कि शायद आज सबसे पीछे पीछे आ रहा होगा। तो पूछूं गोचारण से लौटन को होए गोधुली को मेरो, गोचारण लौटन को गोचारण ते लौटन को होए गोधूली को मेरो, गोचारण ते लौटन को होए गोधूली को मेरो। पूछूं एक एक ग्वाले से पूछूं क्यों गोपाल नहीं लौटो, पूछूं क्यों गोपाल नहीं लौटो, पूछूं क्यों गोपाल नहीं लौटो, पूछूं क्यों गोपाल नहीं लौटो। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।